नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा सा मार्केटिंग ब्रांडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आप बिजनेस में हैं या सर्विस में हैं, ठीक है, कोई भी सेक्टर में हो, ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। तो ब्रांडिंग के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं उतना भी बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे जितना पता है मैं आपको वो बताऊँगा, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ब्रांडिंग के बारे में, ठीक है। अब आपके नज़र के सामने अगर आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे हज़ारों ब्रांड्स हैं, लाखों ब्रांड्स होंगी, लेकिन सबका दाना पानी चल रहा है, ठीक है। तो कैसे चल रहा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई खरीद ही लेता है। बट ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ इसलिए है क्योंकि अगर लोगों को ब्रांड के बारे में पता है तो सेल ईजी हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको फैक्ट बता देता हूँ, बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ ब्रांडिंग के भरोसे चलती हैं, जैसे कि यूट्यूब। अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जितने भी क्रिएटर्स हैं वो ब्रांडिंग की वजह से चल रहे हैं। कैसे, उसमें जो एड्स आती हैं वो एड्स कौन करवाता है, जिसको ब्रांडिंग करनी है, जिसको मार्केटिंग करनी है वो करवाते हैं। गूगल कैसे चल रहा है, फेसबुक कैसे चल रहा है, सिर्फ इसी वजह से चल रहा है क्योंकि लोग जो है वो प्रोडक्ट की या फिर कंपनीज की ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, मार्केटिंग करवाना चाहते हैं। तो आपके पास अगर आप कोई ऑनलाइन सेलर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको ब्रांडिंग के बारे में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आज थोड़े से सैंपल्स के साथ आपको मैं बताने वाला हूँ। और एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप बिजनेस में आना चाहते हैं और ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम मतलब कैसा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर लो, लेकिन आपको बहुत ही बेशरम होकर ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ब्रांड है ना, उसमें नेगेटिव इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हेवर्ड्स 5000, ठीक है, बियर की एड आती थी बहुत पहले, तो उसमें बियर की एड में ऐसा दिखाया जाता है कि बंदा लाइफ में फेल हो रहा है, अचानक से वो बियर पीता है और बियर पीने के बाद उसमें बहुत एनर्जी आ जाती है और वो जोश में आके बहुत अच्छा काम करने लगता है, लेकिन वो वीडियो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 10 साल के बाद उसका क्या हालत होता है वो नहीं दिखाते उसमें, शायद उसका लीवर जो है वो ख़राब हो गया या शायद वो मर गया, तो वो नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मेकअप लगाती हैं, ठीक है, जब यंग होती हैं मेकअप लगाती हैं तब वो अच्छा ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रो होने लगती है वो इफ़ेक्ट, जो नेगेटिव इफेक्ट आने लगता है वो कोई नहीं दिखाता। वैसे ब्रांड्स को पता है ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जानबूझ के नहीं दिखाते हैं क्योंकि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपको भी अगर ब्रांडिंग करनी है तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव बातें नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने कल अपने ही प्रोडक्ट में एक नेगेटिव बात मैंने की, क्योंकि मैं बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ, तो एक भाई साहब ने मुझे कहा कि मैं दारू पी के वीडियोज़ बनाता हूँ, तो दारू पी के वीडियोज़ में नहीं बनाता हूँ मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर अलाउड भी नहीं है। तो मेरे यहाँ पर रूल यही है कि जो भी है सच बताओ, ठीक है, सच कुछ और कुछ नहीं। तो देखिए, अभी ब्रांडिंग के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से यू आर अ मैन्युफैक्चरर और ऐसे होलसेलर हैं या रिटेलर हैं जिसके पास अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक केबल आया है, ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होगी, 10 रुपया, 5 रुपया, ठीक है। ऐसे अगर आपको लूज में मिल रही है तो इसकी वैल्यू अभी है लेट्स से 10 रुपये, ठीक है। आपने जब इसको इस थैली के अंदर घुसाया, ओके, इसकी वैल्यू हो गई 12 रुपये, ओके। अब इस थैली को आपने जब इसके अंदर डाला तब इसी प्रोडक्ट की वैल्यू, खुल जा मेरे भाई, कभी कभी, अब इसके अंदर जब आपने डाला तब इसकी वैल्यू हो गई 20 रुपये, ठीक है। कैसे, जैसे आप देखिए, धीरे धीरे इसकी ब्रांडिंग जो है वो एनहेंस्ड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब हो गई 20 रुपये, आप आराम से 20 रुपये मांग सकते हो। क्यों भैया, मटेरियल अंदर वही है लेकिन आपने पैकेजिंग डिस्प्ले ऐसा किया है कि लोग देखेंगे, हाँ भैया लग रहा है ब्रांड लग रहा है, ठीक है। अब चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं और आगे बताते हैं। अब सपोज आपने इसमें डाला ऐसे बॉक्स में, ओके, तो सेम वही प्रोडक्ट की वैल्यू अब हो गई 30 रुपये, मतलब 10 रुपये की चीज़ 30 रुपये हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रांड है, यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं, पैकेजिंग ऐसी है, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे डाली हुई है। तो 10 रुपये की चीज़ जो खुले आम ऐसी कंडीशन में
मिलती थी उसकी वैल्यू सेम चीज़ की 30 रुपये हो गई, ठीक है, अब आप उसको 30 रुपये में बेच रहे हो। तो सेम वे और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे कि ये चम्मच है, ठीक है, ये चमचे हैं, ये खाने की चमचियाँ हैं, ये देखिए। अब सपोज़ आप इसको ऐसे रबड़ बांध के बेच रहे हैं, ठीक है, अरे वो रबड़ थी कहाँ गई, हाँ गई भाई, चलो रबड़ नहीं मिल रही है। अब इसको आप ऐसे थैली में डाल के बेच रहे हैं, ओके, चलिए यहाँ पे डाल दिया, ले लो रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ठीक है। तो ये आप बेच रहे हो अभी लेट से 50 रुपये में, ठीक है। तो भैया एक बंदे ने क्या किया, अब ये सारी चीज़ें निकाली, यही चीज़ उसने ऐसी पैकिंग करवा दी। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एज पर द MRP इट्स 149 रुपीज़। तो 50 रुपये का सामान 149 रुपीज़ का यहाँ पे हो गया, कैसे, क्योंकि आपने यहाँ पे थोड़ी सी ब्रांडिंग कर ली, और क्योंकि देखिए पैकेजिंग वगैरह सब देखने के बाद जो इफ़ेक्टिवनेस आता है, जो मेंटालिटी जो है लोगों की, साइकोलॉजी जो है, अच्छी पैकिंग है मतलब प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्ट लूज है मतलब प्रोडक्ट बेकार है। तो ये साइकोलॉजी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि ये हॉट वाटर बैग है, ठीक है, ये हॉट वाटर बैग है जो गर्मी में हम यहाँ वहाँ सेकते हैं। तो यही चीज़ लेट्स से अगर हम ऐसे लूज में बेच रहे हैं, ओके, ऐसे थैली में डाल के, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ओके, तो ये रस्ते का माल सस्ते में हमने ऐसी पॉलीथीन बैग में डाल के, हाँ ये लीजिए 100 रुपया, ओके, तो 100 रुपये में मैंने आपको ये सामान दे दिया रस्ते का माल सस्ते में। लेकिन अब मैं एक ब्रांड हूँ, अब मैं ब्रांडिंग करूँगा, तो फिर मैंने बनवाया ये बॉक्स, ये देखिए, अब ये मैंने इसके अंदर डाला वही चीज़, अब इसकी वैल्यू हो गई भैया 200 रुपये, सेम चीज़। अब यही चीज़ ऐसे पड़ी होगी कहीं पर, लटकाई हुई होगी, और ये वाली होगी, दुकान में जाएंगे आप किसी को बोलेंगे भैया मुझे हॉट वाटर बैग चाहिए, तो वो दो चीज़ बताएगा आपको, ये रही 100 रुपये वाली, ये रही 200 वाली, कौन सी चलेगी भैया ज़्यादा, ये चलेगी 200 रुपये वाली, ठीक है, वो आपको बताएगा नहीं कि अंदर माल सेम ही है, ठीक है। तो वही चीज़ जो है अंदर डाला हुआ है और आपको दे दिया, कस्टमर थैंक यू वेरी मच पैसे देगा और वहाँ से निकल लेगा। बहुत सारे लोग बेसिक पैकिंग भी करते हैं, देखिए लेट्स से कि ये स्टेपलर है, अभी आपको लूज में मिल रहा है वैल्यू एक्स, लेकिन आपने कुछ पैकिंग इस तरह की वैल्यू वाई, तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको एक बेनिफिट दे रहा है, विच इज़ अबाउट द वैल्यू इन प्राइस, तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है। अब ये आपका जो कॉस्टिंग आ गया एडिशनल, वो पैकिंग का आ गया, ठीक है, लेकिन उसके सामने आपकी ब्रांडिंग की वैल्यू की वजह से प्राइस ज़्यादा हो जा रही है। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, सॉरी, ठीक है, तो ये टूथब्रश है, अब टूथब्रश लेट्स से सेम थिंग, ठीक है, मैं इसको ऐसे डाल के बेच रहा हूँ, ठीक है, रस्ते का माल सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, तो ऐसे मैं बेच रहा हूँ 20 रुपये में, 20 रुपये में, 20 रुपये में ले जाइए, ठीक है। तो लोग सोचेंगे अरे साला 20 रुपये का कैसा होगा, घटिया होगा एकदम, है, तो यही चीज़ मैंने उठा के इसमें डाल दिया, ओके, ऑलराइट, अब मैंने इसमें टोपी लगा दी, अब इसको मैंने अच्छे से लगा दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई अब 30 रुपये, ठीक है, 2 रुपये का बॉक्स है, लेकिन वैल्यू उसकी मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, इसको मैंने लगा दिया तो 30 रुपये हो गई, चलो ठीक है, अच्छा है, पैकिंग भी अच्छा है, बढ़िया है, मटेरियल भी अच्छा ही होगा। फिर उसकी मास्टर पैकिंग मैंने करवा ली ऐसी 10 पीस की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई। तो वही चीज़ आपने सेम 10 रुपये वाली, 20 रुपये वाली, उसकी वैल्यू आपने मल्टीपल टाइम्स उसको ग्रो कर दी बाई जस्ट एनहेंसिंग और इम्प्रूविंग ऑन योर पैकेजिंग। सेम वे ये हॉट वाटर बैग है, आपने यही हॉट वाटर बैग बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में भी देखे होंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है मैं तो बता नहीं सकता, इट्स वेरी लेस कंपेरेटिवली, बट अब इसको मेडिकल स्टोर में लोग 300 रुपये में भी बेचते हैं, 400 में भी बेचते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द ब्रांडिंग, अंदर तो पानी ही जाने वाला है, अंदर गर्म ही होने वाला है, और ये फटने वाला भी नहीं है, बट इट्स ऑल बेस्ड ऑन द ब्रांडिंग, कौन सी ब्रांड है, जो बहुत फेमस ब्रांड है वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, जो नॉमिनल ब्रांड है वो कम ले रहे हैं, बट अगर आप इसको लूज में बेच रहे हैं, पैकिंग में बेच रहे हैं, तो वो डिफरेंस आपका हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप अपनी ब्रांडिंग कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं,
तो करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ऐसे थैली में बेचेंगे तो आपकी ब्रांड कभी नहीं बनेगी, ठीक है, और वैल्यू भी नहीं मिलेगी। आप अच्छी पैकिंग करके करेंगे तो आपको 4 पैसे एक्स्ट्रा डेफिनेटली मिलेंगे। और कल भी मैंने यही प्रोडक्ट आपको बताया था, ये वाला देखिए, अब इसकी जस्ट सी द पैकिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन द बॉक्स वेरी नीटली। लेकिन यही चीज़ अगर मैं सेम थिंग इफ आई यू नो जस्ट पुट इट इनसाइड दिस पॉलिथिन, इसी थैली में मैं डाल के बेचूँ ऐसे लूज, ओके, तो मैं जिसको ये सामान बेच रहा हूँ लेट से 150 रुपये में, ठीक है, यही चीज़ मैं अगर ऐसे बेचने जाऊँगा तो वो मुझे शायद 50 रुपये भी नहीं देगा, ठीक है, 50 रुपये भी नहीं देगा, बोलेगा ये कैसा माल है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो नहीं देगा वो। इसके अंदर है तो वो देगा, बिकॉज ही इज़ नॉट गिविंग द वैल्यू टू द प्रोडक्ट, ही इज़ गिविंग द वैल्यू टू योर पैकेजिंग। तो वैल्यू फॉर पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचें पैकेजिंग अच्छा रखिए, स्पेशली इफ़ यू आर सेलिंग ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन में भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स भेजते हैं कस्टमर्स को, दे ऑल्सो लुक एट द प्रोडक्ट पैकेजिंग कि बाहर का पैकेजिंग कैसा है, इफ़ इट्स गुड और नॉट, बेस्ड ऑन दैट उनका मतलब आपका आधा काम उधर ही हो जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर आपने थैली में प्रोडक्ट भेजा है तो फिर ऑब्वियसली इंप्रेशन वैसा आएगा, लेकिन देखिए कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है पैकेजिंग और वो सब करने में, तो उसकी तैयारी भी आपको रखनी पड़ेगी कि अगर सॉरी अगर इस बॉक्स में भेजना है तो 5-10 रुपये बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास कभी कभी ऐसे इश्यूज़ भी आते हैं, आते हैं कि मतलब वही सस्ते रेट में चाहिए लेकिन पैकिंग के साथ चाहिए, भैया वो कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपको सस्ता चाहिए और पैकेजिंग के साथ चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, अगर अच्छी ब्रांडिंग के साथ चाहिए तो थोड़े पैसे भी उस हिसाब से लगेंगे। तो लेट्स से ये वाला है, अब ये मैं बेच रहा हूँ लेट्स से 80 रुपीज़ में, ठीक है, और किसी को चाहिए पैकिंग के साथ बट 80 रुपीज़ में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जैसी चीज़ जैसे पैकेजिंग में होगी उसकी वैल्यू भी उस हिसाब से ही होगी, क्योंकि हम होलसेल का करते हैं तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं, ठीक है। तो यस, अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं बेशरम होकर ब्रांडिंग करिए, सब जगह नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट्स की कमी बताइए। अगर आप बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप मेरी तरह हर एक चीज़ का फॉल्ट निकालेंगे तो फिर आपका बिजनेस ज़्यादा नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो जैसे कि हाँ चलिए ये डोरमेट्स बताता हूँ मैं आपको, दीज डोरमेट्स, ओके, सो ये देखिए, अब ये डोरमेट्स जो हैं आई डोंट नो आप लोग कितने में खरीदते होंगे, बट मेरा प्राइस जो है नहीं बताऊँगा बहुत ही कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये ऐसे बिक रहा है, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग आई शोड यू राइट नाउ, अब ये ऐसे बेच रहा हूँ तो इसकी प्राइस बहुत कम है, लेकिन अगर मैं इसकी पैकेजिंग सुंदर करके बेचूँ, अच्छी करके बेचूँ, तो इसकी प्राइस जो है वो मैं 3 times एक्स्ट्रा लेके जा सकता हूँ, 3 गुना, ठीक है, तो दैट इज़ पॉसिबल। और ये देखिए ये वाला है, ठीक है, ये क्या है, ये टोपी नहीं है, ओके, ये है राइस बाउल, यहाँ पे राइस डालते हैं और यहाँ पे वो आपने देखा होगा जो धोने के लिए आता है राइस, तो इसकी पैकेजिंग देखिए वेरी नॉर्मल वेरी कॉमन, लेकिन अगर मैं इसकी बॉक्सिंग कर दूँ ऐसे बॉक्स बना के बेचूँ, ओके, इस टाइप का बॉक्स, तो इसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट मार्केटिंग। सो सी, इफ यू हैव अ प्रोडक्ट, इफ यू ट्राइंग टू सेल ऑनलाइन, इट्स नॉट इनफ, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग टेक्निक्स, द मार्केटिंग टेक्टिक्स फॉर 21st century। पहले के ज़माने में अलग हुआ करता था, आज अलग है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि आज के ज़माने में प्रोडक्ट्स कैसे बेचना है, ठीक है, पैकिंग वगैरह भी सब आपने अच्छी कर ली लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू द राइट पीपल, दैट्स द रीज़न इट्स हैपनिंग। तो इसके बारे में हम बहुत कुछ आगे और डिस्कस करेंगे, तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, आई थिंक और कुछ बताने के लिए नहीं बचा है। सो चलो भाई अब पैकिंग पे लग रहा है, ये सारा जो आया वही पैक करना है, अभी मैंने सोचा ये बता दूं आप लोगों को ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया है। जैसे कि और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ये है फ्रिज ट्रे, ठीक है, ये फ्रिज ट्रे है जो हम अपने फ्रिज में लगाते हैं, भैया इसको नहीं मालूम कैसे लगेगा, ओके, तो अब मैं इसको सपोज़ इसके अंदर पैक करके भेजूँगा, ठीक है, इसके अंदर पैक करके भेजूँगा, फर्स्ट इम्प्रेशन फ्रॉम द कस्टमर्स माइंड वेरी पुअर, बहुत गंदी पैकिंग है, कितना चीप क्वालिटी का है, बहुत बेकार सेलर है, नेगेटिव फीडबैक दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इफ यू सेंड
द सेम प्रोडक्ट इन दिस बॉक्स, इन दिस काइंड ऑफ बॉक्स, जहाँ पे प्रिंटिंग किया हुआ है, ब्रांडिंग किया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो कस्टमर देखेगा ओह बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, हाँ मैंने सोचा नहीं था इतना सस्ता मिल जाएगा। कस्टमर देखेगा बोले हाँ वेरी गुड वेरी गुड, चलो भाई लो लगाओ इसको, और पॉजिटिव फीडबैक भी आपको दे सकता है। तो इतना फर्क पड़ता है। और अगर आपने गलती से भी ये थैली में भेज दिया तो गए काम से, कस्टमर खुश नहीं होगा, साथ साथ आप भी खुश नहीं होंगे। तो पैकेजिंग वैकेजिंग थोड़ा सा अच्छा करिए, ब्रांड की वैल्यू बढ़ाइए। एक बार कस्टमर आपके साथ जुड़ गया तो हमेशा चिपका हुआ रहेगा, जाएगा नहीं। बिकॉज इफ ही लाइक्स योर प्रोडक्ट्स ही विल ऑलवेज गेट बैक टू यू, इफ दे हेट योर प्रोडक्ट, इफ दे डोंट लाइक योर प्रोडक्ट, भाग जाएंगे वो लोग लाइफ टाइम के लिए। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नहीं पसंद आया तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को पता है डिसलाइक बटन यहीं कहीं पे होगा नीचे, आप वहाँ पे डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।